4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 22 हमदर्दी। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल और जवाब हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने की वजह से आपको आसानी से तमाम वीडियोस मिल सकते हैं। सबक नंबर 22 हमदर्दी। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, दरख्त की टहनी पर कौन बैठा था? जवाब, दरख्त की टहनी पर बुलबुल बैठा था। सवाल नंबर 2, बुलबुल क्यों उदास था? जवाब, अंधेरा होने की वजह से वो अपने आशियाने तक नहीं जा सका, इसलिए बुलबुल उदास था। सवाल नंबर 3, बुलबुल ने दिन कैसे गुजारा था? जवाब, बुलबुल ने उड़ने चुगने में दिन गुजारा था। सवाल नंबर 4, बुलबुल को किस बात की फिक्र थी? जवाब, बुलबुल को अपने आशियां तक पहुंचने की फिक्र थी। सवाल नंबर 5, बुलबुल की बात का जवाब किसने दिया? जवाब, बुलबुल की बात का जवाब जुगनू ने दिया। सवाल नंबर 6, जुगनू बुलबुल की मदद कैसे करना चाहता था? जवाब, जुगनू अपने उजाले की मदद से बुलबुल की मदद करना चाहता था। सवाल नंबर 7, अल्लाह ने जुगनू को कौन सी नेमत दी है? जवाब, अल्लाह ने जुगनू को दिया जैसी रोशनी की नेमत दी है। सवाल नंबर 8, दुनिया में कौन से लोग अच्छे हैं? जवाब, जो दूसरों के काम आते हैं वही लोग दुनिया में अच्छे हैं। अगला सवाल है, शेर मुकम्मल कीजिए। पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। यहां पर ये सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।